सब्सक्राइब कीजिए सवल पर यार MGT चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुवल परिहार आपका स्वागत करता हूँ टेक मसाला के न्यू एपिसोड में। लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है हमें व्हाट्सएप को लेकर। दो जैसे कि आपको बताया, व्हाट्सएप आप कंप्यूटर और डेस्कटॉप पे दोनों पे और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, पर उसमें आपको ना किसी को वीडियो कॉल ना दोस्तों आप किसी को दोस्तों आप ऑडियो कॉल कर सकते हो। पर दोस्तों व्हाट्सएप ने अपना एक नया अपडेट निकाला जिसमें आप कंप्यूटर या लैपटॉप से किसी को भी वॉइस कॉल और किसी को भी दोस्तों वीडियो कॉल कर सकते हो, वो भी दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम। ये दोस्तों एक अच्छा फीचर मिल जाता है, कहूँगी तो जो भी लैपटॉप से जो भी दोस्तों अपने कंप्यूटर से किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हैं वो काफ़ी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, पर इस अपडेट के बाद उनको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला अपडेट निकल के आता है हमारा मोटरोला G9 को लेकर। अब दोस्तों मोटरोला G9 है, इसकी डेट फिक्स हो गई है। ये आपको 8 दिसंबर को अपने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 12 PM को। अब देखते हैं दोस्तों ये मोटरोला जी कैसा फ़ोन लेके आता है और इसमें आपको 5G नेटवर्क देखने को मिल जाता है, किस दोस्तों प्रोसेसर कैमरा सारी चीज़ें के बारे में दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला अपडेट निकल के आता है हमारा वीवो को लेकर। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है वीवो ने अभी हाल रिसेंट अपना वीवो V20 Pro फ़ोन लॉन्च किया है, जिसकी दोस्तों जो सेल्फीज फोन्स के बारे में जो भी दोस्तों आप कहो काफ़ी एक नंबर है। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो वीवो V20 Pro के बारे में तो सर यहाँ थंबनेल देख सकते हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप वो वीडियो जरूर देखना। उस फोन के बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है। तो अब हम बात करते हैं वीवो X60 के बारे में, जो वीवो पेंटेड कर रहा है अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने के लिए। अब दोस्तों वीवो ये कह रहा है हम इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 880 इसमें प्रोसेसर लेके आएंगे, जो दोस्तों की परफॉर्मेंस होगी काफ़ी तगड़ी और दोस्तों एक नंबर पहुंच जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 880 ये प्रोसेसर अभी तक किसी के स्मार्टफोन में नहीं है। सब कह रहे हैं पहले हम लेके आएंगे, वीवो ने भी कह दिया, शाओमी ने भी कह दिया, रेडमी ने भी कह दिया। अब देखते हैं ये प्रोसेसर दोस्तों कब और कौन से स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी दोस्तों इस प्रोसेसर को लेके आएगा उसको मिनिमम 12 GB की रैम होना जरूरी है। दोस्तों मैंने एक आर्टिकल्स में पढ़ा था, आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रोसेसर को दोस्तों हैंडल करने के लिए मिनिमम आपके फ़ोन में 12 GB रैम होना चाहिए। अब दोस्तों एक स्मार्टफोन में 12 GB रैम का मतलब जो फ़ोन की प्राइस है काफ़ी दोस्तों हाई और एक्सपेंसिव फ़ोन दोस्तों हो जाएगा। देखते हैं वीवो कब ये फ़ोन बनाता है, कब और कब अपने इंडिया में लॉन्च होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे ZTE को लेके, Exynos 20 5G ऑन सेल्स। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है Exynos ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है Exynos 20 5G, जिसमें दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों ये दुनिया का इकलौता फ़ोन है जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों आप कैमरा तो उसमें यूज़ करोगे पर आपको कैमरा दिखा ही नहीं देगा, काफ़ी जैसे यूनिक और दोस्तों आपको एक प्रीमियम ब्रांड बना देता है, क्योंकि दोस्तों आज तक आपने किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखा होगा अंडर डिस्प्ले कैमरा, पर दोस्तों इसमें आप अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इसको भी फ़ोन चाहिए वही फ़ोन ले सकता है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर दोस्तों फ़ोन लेने के बाद बहुत ही कमाल का दोस्तों आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगला और लास्ट अपडेट निकल के आता है पबजी मोबाइल को लेके। पबजी मोबाइल इंडिया सीक्रेट मिशन, थोड़ी सी दोस्तों गुड न्यूज़ भी है पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी गुड न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है पबजी पूरा प्रयास कर रही है इंडियन मिनिस्ट्री से बात करने की, उनसे मिलने की, पर इंडियन मिनिस्ट्री कोई जवाब ही नहीं दे रहा, उनसे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। अब दोस्तों वो रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, जो उनकी इतनी मेहनत है, उनने गेम को डेवलप करा, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से मिले, गेम बनाया, APK आया, सारी चीज़ें दोस्तों उन्होंने करी, पर वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देगी। पर दोस्तों दूसरे हाथ पे 4G भी अपना कमबैक करके आ गया है, इसका दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया और एक दिन में 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन हो गए। अब तो पबजी अपना दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है इंडिया में आने का, कुछ जुगाड़ वगैरह ढूंढ रहा है, साथ उसको गेम चेंज करना पड़े। देखते हैं पबजी को कौन सा दूसरा रास्ता मिलता है, कब तक और कौन सी तारीख को ये गेम दोस्तों अपनी इंडिया में लॉन्च होता है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कराया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।